Hello everyone. I am Dr. Nikunj Mittal, Senior Neurosurgeon Consultant from Manipal Hospital, Ghaziabad. आइए आज हम बात करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में, स्पेशली हेड इंजरी। रोड पे एक्सीडेंट आए दिन देखे जाते हैं, किसी भी कारणवश हो सकते हैं, किसी की भी गलती की वजह से हो सकते हैं, और कई बार कोई गलती भी नहीं होती फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो स्पेशली हम बात करते हैं हेड इंजरीज के बारे में, जो सबसे घातक हो सकती हैं और पेशेंट की जान भी ले सकती है। जब भी आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो या आप किसी का रोड एक्सीडेंट होते हुए देखें, तो आपका फर्ज बनता है पेशेंट को सबसे पहले नियर बाय अस्पताल लेके जाएं और वहाँ पे इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दें। अस्पताल में देखिए पेशेंट की हालत कैसी है, अगर सीरियस है तो डॉक्टर उसको अटेंड करता है और उसकी जो बातें होती हैं उसको फॉलो करनी चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इसलिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे इसको लोगों को ट्रीट किया जाए, कैसे इन लोगों को मदद की जाए। सरकार के द्वारा बहुत सारे आदेश हैं, जैसे कि जब सड़क पर चलें तो हमेशा हेलमेट पहन के चलें। हेलमेट पहनने से जो सर की चोट होती है, सर पे जो चोट लगती है वो बहुत कम हो जाती है, उसके जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपका सर कवर्ड है और आप गिरते हैं तो जो सर में जो अंदर ब्रेन है उसको चोट बहुत कम लगती है, लेकिन अगर नहीं है तो चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको ब्रेन में चोट लगने का अंदाशा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी सड़क पर चलें, दोपहिया वाहन पर हमेशा हेलमेट लगा के चलें और अपना ध्यान रखें, स्पीड कंट्रोल में रखें। आइए जानते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो पहले उसे मदद करने से ना कतराएं। आमतौर पर जब एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादातर जब पेशेंट होते हैं या तो उनको चक्कर आ जाता है या भूल जाते हैं या होश में नहीं रहते हैं या सर दर्द होता है या उल्टियाँ होती हैं। जब ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर की एडवाइस पर सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन क्यों ज़रूरी है? सीटी स्कैन इसलिए ज़रूरी है कि अगर ब्रेन के अंदर, दिमाग को कोई चोट लगी है तो हमें पता लग सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। जो सीटी स्कैन में चेंजेस होते हैं या जो ब्रेन में चोटें के जो निशान होते हैं वो एक्सीडेंट होने के 1 से 6 घंटे बाद तक देखे जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि ऑब्जर्वेशन में 1 दिन या 6 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा रहना है अस्पताल में, तो उसको ज़रूर फॉलो करें और जो वो दवाइयाँ देता है उसको टाइम से लेते रहें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी रोड पे चलें अपना ध्यान रखें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, सारे नियमों को पालन करें, अपना बचाव रखें और दूसरों का भी बचाव करें। धन्यवाद।